अच्छा, प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी हेडमानिया के लार्वा एसिडियन टैडपोल की, जिसमें हमने टेल वगैरह को देखा था। टेल का अगर दोबारा देखा जाए, ठीक है ना, तो किसके द्वारा होती है? गमन की क्रिया पाई जाती है पूंछ भाग, पूंछ भाग के द्वारा, टेल पार्ट के द्वारा होती है। टेल की लंबाई हमने देखी 0.9 mm तक ही लंबी होती है, और लास्ट में डोम शेप जो उसका माउथ वाला रीजन में तो होता है, या हेड वाला जो रीजन होता है उसके आगे की तरफ क्या होते हैं, क्या हो जाती है, कॉन्वोलेटेड होने लग जाती है, मतलब संपीड़ित होने लग जाती है, और किनारों पर लास्ट वाला जो पार्ट आता है उस पर नुकीली लैंसलेट शेप में पाई जाए, ठीक है ना। ओके, लास्ट में क्या पाया जाएगा? तैरने के लिए कॉडल फिन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? कॉडल फिन पाया जाएगा, ठीक है। टेल तक क्या पाया जाए? नोटो कॉर्ड, जो कि उसको सपोर्ट करने का काम करती है, जो कि क्या करती है, उसको सपोर्ट करने का काम करती है, ठीक है ना। अगर इसके आगे बात की जाए, इसके हैबिट एंड हैबिटेट की, हैबिट एंड हैबिट एंड हैबिटेट की अगर बात की जाती है, ठीक है, तो अंडे में से निकलने के बाद, अंडे में से निकलने के बाद एक प्रोसेस होता है हैचिंग का। क्या होता है? हैचिंग, HATCHING, हैचिंग का प्रोसेस। हैचिंग का प्रोसेस ये कहता है कोई भी ऑर्गेनिज्म है, यदि वो अंडे से निकलकर किस में आ रहा है, लार्वल स्टेज में आ रहा है, प्यूपल स्टेज में आ रहा है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है हैचिंग। इस प्रोसेस को बोला जाता है हैचिंग का प्रोसेस, ठीक है। तो हैचिंग के प्रोसेस के बाद क्या होगा? लार्वा अब इसकी कंडीशंस क्या हो, ठीक है ना, फोटो पॉजिटिव होता है हमेशा। क्या होता है? फोटो पॉजिटिव, ठीक है, मतलब प्रकाशानुवर्ती। अभी एक मिनट, देखते हैं क्या है कंडीशन। हमने एक आधा हर्डमानिया कहाँ पे पाया जाता है? किसी भी सतह से चिपका हुआ पाया जाता है। जैसे कि वो सतह हो सकती है कोई भी, पत्थर हो सकते हैं, चट्टान हो सकती है, मिट्टी हो सकती है। अभी सारी चीज़ें पाई कहाँ जाए? सी के समुद्र के बॉटम में पाई जाएंगी। सारी चीज़ें कहाँ पाई जाएंगी? समुद्र के बॉटम में पाई जाएंगी, निचले स्तर पर पाई जाएंगी, ठीक है ना, डीप सीज में पाई जाएंगी। लेकिन ये जो आपका लार्वा होता है, क्या होता है, फ्रीली स्विमिंग करता है, मुक्त रूप से तैर सकता है। इसीलिए क्या होता है? फोटो पॉजिटिव होता है। अगर समुद्र की बात की जाए तो समुद्र को तीन भागों में हम बांटते हैं। पहला होता है लिटोरल जोन, पहला होता है फर्स्ट, जो अगर सी का अगर देखते हैं लेवल, ठीक है ना, एक ऐसा जोन जिसमें क्या है, लाइट पाई जाती है पॉजिटिव, ठीक है ना, उस रीजन को बोलते हैं हम लोग लिटोरल जोन, ठीक है ना। इस रीजन को लिटोरल जोन बोला है हमने क्योंकि फोटो पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे लाइट पाई जाती है, और इसी रीजन में क्या पाया जाएगा, लार्वा रहेगा। ओके, वह और कोई भी चीज़ अगर मान लो गुरुत्व की तरफ भागी है, मतलब नीचे की ओर भागती है, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव गुरुत्वानुवर्ती। जैसे कि क्या होता है, वो वयस्क अवस्था पाई जाती है जैसे कि लार्वा की, जैसे हर्डमानिया बोलता है, वो कहाँ भागता है? हमेशा नीचे की ओर भागता है। लेकिन ये लार्वा है, कहाँ भाग रहा है? ऊपर की ओर भाग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नकारात्मक गुरुत्वानुवर्ती, ठीक है ना, हो जाता है। फ्रीली स्विमिंग था, कॉडल फिन पाया जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ क्या पाया जाएगा, सूर्य का प्रकाश पाया जाएगा। ओके, ऊपर की तरफ आ रहा है मतलब गुरुत्व के विरुद्ध काम कर रहा है, ग्रेविटेशन के नेगेटिवली क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ओके, तो इसीलिए इसको बोल दिया हमने नेगेटिवली गुरुत्वानुवर्ती, या इसे जियो नेगेटिज्म भी बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं, जियो नेगेटिज्म भी बोला जा सकता है। अगर नेक्स्ट बात की जाए अब, तो भोजन करने में क्या पाया जाएगा, इसके बाद भोजन करने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि इसका मुंह टेस्ट भाग से
ढका रहता है, ठीक है ना। भोजन करने में क्या हो जाएगा, असमर्थ हो जाएगा, इनकैपेबल हो जाएगा, क्योंकि इसका जो माउथ रीजन था, जो माउथ पार्ट था, ब्रेंकियल साइफन वाला जो पार्ट था, वो टेस्ट भाग से ढका हुआ पाया जाएगा। टेस्ट भाग की अगर बात की जाए तो टेस्ट भाग के लिए पहले भी हमने कंपोजिशन देखा है, फॉस्फोरस मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा, सिलिका, सॉरी कैल्शियम मिलेगा और SiO2 सिलिका मिलेगा, ठीक है ना। इससे एक हार्ड कवरिंग का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा, एक हार्ड कवरिंग का निर्माण कर लेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाता है, टेस्ट से ढका हुआ पाया जाए, ठीक है ना। अब ये फ्री स्विमिंग कर रहा है फिलहाल, फ्री स्विमिंग कंडीशन में, फ्री स्विमिंग के बाद क्या है, कुछ 3-4 दिन तक मुक्त अवस्था फ्री स्विमिंग में तैरने के पश्चात लार्वा, अब इसमें चेंजेस होने लगे, क्या हो गए, नेगेटिव फोटो नेगेटिव, क्या हो जाएगा, फोटो नेगेटिव नकारात्मक प्रकाशानुवर्ती, नकारात्मक प्रकाशानुवर्ती, ठीक है ना, नकारात्मक प्रकाशानुवर्ती मतलब प्रकाश ऊपर वाले रीजन में बताया था हमने, अब ये कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, डीप सी की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म या जियो पॉजिटिव बोल सकते हैं हम, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। नकारात्मक प्रकाशानुवर्ती वह पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, यह बोल सकते हैं दूसरी भाषा में इसे जियो पॉजिटिव, जियो पॉजिटिव जिसे बोलते हैं हम, जिसे बोलेंगे सकारात्मक या धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, गुरुत्व की तरफ जाने लग जाएगा, गुरुत्वानुवर्ती हो जाता है, ठीक है ना। तो अभी हमने बात की कैसे हैचिंग जैसे हुई फोटो पॉजिटिव हो जाएगा और नेगेटिवली जियोट्रॉपिज की तरफ भागने लग जाएगा। सेकंड नंबर पे हमने देखा जो मुंह वाला पार्ट है टेस्ट से ढका हुआ पाया जाएगा, इसलिए भोजन करने में क्या हो गए, असमर्थ पाया जाएगा। थर्ड नंबर पे अगर बात की जाए कुछ दिन ये फ्री लिविंग रहने के बाद क्या करेगा, फोटो नेगेटिव हो जाएगा और जियो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना, जियो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है ना। अब अगर बात की जाए ये नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ क्या करेगा, किससे जाके, अपने जो एडेसिव पैपिला थे, आसंजन पैपिला थे, उनकी सहायता से किसी भी सतह से जाकर के हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है, समुद्री सतह से निचली सतह की ओर जाकर ये तली में किसी आधार से चिपक जाता है, ठीक है ना। और चिपक तक इससे एडेसिव पेपिला, आसंजन पेपिला की सहायता से चिपकता है, ठीक है ना। यह है एडेसिव पेपिला, आसंजन पेपिला इसे बोला था हमने, कि सहायता से चिपकता है। हमने आसंजन पैपिला की अगर बात की है तो इस प्रकार से हमने कुछ स्ट्रक्चर बनाया था, तीन क्या पाए जाते हैं इसमें, एडेसिव पैपिला पाए जाते हैं हेड रीजन में। तो इनकी सहायता से क्या हो जाता है, किसी भी सतह से चिपक जाता है, ठीक है ना। अभी अगर इसमें कायंत्रण की बात की जाए तो कायंत्रण के लिए हमने पहले भी देखा था किस प्रकार का रेट्रोग्रेसिव प्रतिगामी या पश्चगतिक कायंत्रण पाया जाता है। अब लार्वा में लार्वा
में प्रतिगामी या इसी को बोलते हैं पश्चगतिक, जैसे इंग्लिश में बोला जाता है रिट्रोग्रेसिव। कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस, मॉर्फोसिस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पश्चगतिक कायांतरण पाया जाता है, ठीक है ना। पश्चगतिक कायांतरण को अगर समझा जाए तो पश्चगतिक कायांतरण क्या कहता है? पश्चगतिक कायांतरण रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के अनुसार जीव की लार्वा अवस्था वयस्क अवस्था की तुलना में अधिक विकसित होती है। और ये हम अगर प्रूफ करने वाली बात है तो प्रूफ कैसे किया सकते हैं? हमने देखा लार्वल स्टेज थी, एसिडियन टैडपोल की थी, वो फ्री स्विमिंग था, अच्छे से भोजन कर रहा था, ठीक है ना। लेकिन लार्वा अवस्था ऐसी नहीं होती है। क्या होती है? एक ससाइल होती है, एक निश्चित जगह पर रखी हुई पाई जाती है, एक निश्चित जगह पर पाई जाती है, ठीक है ना। वाटर करंट के द्वारा या जल की धाराओं के साथ क्या करता है? भोजन को लेता है, ठीक है ना। तो क्या होता है? थोड़ा कम विकसित होता है लार्वा की तुलना में। तो इस प्रकार के कायांतरण को बोलते हैं पश्चगतिक या रेट्रोग्रेसिव कायांतरण, ठीक है ना। अब जैसे ये कायांतरण स्टार्ट हुआ तो इसमें कुछ चेंजेस आने लगेंगे। चेंजेस के रूप में हम देखें तो फर्स्ट चेंजेस आएगा इसमें, या इसे लिख सकते हैं इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि प्रतिगामी परिवर्तन, रेट्रोग्रेसिव चेंजेस। तो इसमें पहला चेंज क्या है? तो पहला चेंज आता है जो भी कॉडल फिन होता है इसमें लास्ट में तैरने के लिए क्या पाया जाता है? कॉडल फिन पाए जाते हैं। कॉडल फिन का क्या होने लग जाता है? एफ्रासन डिग्रेडेशन होने लग जाता है। उच्च पंख, जिसे क्या बोला जाता है? कॉडल फिन का कॉडल फिन अप्रहासित डिजनरेशन अप्रहासित होने लगती है। क्या हो गया? तैरने के लिए अवस्था थी लार्वा में क्या पाई जा रही थी? पुच्छ पाई जाती। जैसे ही ससाइल स्टेज में आया, मतलब हार्डमानिया की स्टेज में आया, पुच्छ का कोई काम नहीं रहेगा, इसीलिए क्या लग जाएगी? धीरे धीरे अनडेवलप्ड कंडीशन में लग जाएगी, अप्रहासित होने लग जाएगी, मतलब ये अपने कार्य करना अपना बंद कर देगी, ठीक है ना। अब दूसरी बात करें आसंजक पैपिला धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे अदृश्य हो जाते हैं। धीरे धीरे आसंजन पैपिला क्या हो जाएंगे? अदृश्य हो जाएंगे, ठीक है ना। थर्ड नंबर पे यदि बात की जाए जितने भी हमने ओसिलाई देखा था और ओडोसाइट्स देखा था, जो कि क्या करते हैं? इनमें संवेदनाएं प्रदान करने का काम करते हैं, वो क्या होने लग जाएगा? धीरे धीरे लुप्त होने लग जाएंगे, धीरे धीरे टूटकर लुप्त होने लग जाएंगे। तो हमने देखा लार्वा में उपस्थित संवेदी अंग, जैसे कि हमने देखे थे ओसिलाई, जिसे नेत्रक भी बोला था, इनकी सहायता से देख रहा था, ठीक है ना। वह ओटोसिस्ट, अब ओटोसिस्ट का काम शायद आप भूल गए होंगे, इसका काम था संतुलन बनाने का, ठीक है ना। ओटोसिस्ट
धीरे 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 विलुप्त होने लग जाते हैं, धीरे धीरे विलुप्त होने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या कंडीशंस क्या हो जाती है आपकी, रिट्रोग्रेसिव परिवर्तन हो जाते हैं, प्रतिगामी परिवर्तन हो जाते हैं। आज हमने देखा है क्या ये क्या क्या कंडीशंस में रहता है, कब ये फोटो पॉजिटिव होता है, कब ये जियो पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। ये इसके एडेसिव पेपुला थे उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, कॉडल फिन जो था पुच्छ पंख था वो अपरासित कैसे कब हुई, और ये सारी कंडीशन ओटोसिस्ट या ओसिलाई डबल वो अनडेवलप्ड कंडीशन में विलुप्त अवस्था में कैसे आए, ठीक है ना। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।